मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। यूपी के झांसी में एक अजीबोगरीब मामला देखने में आया। बारात डीजे पर आई तो काजी ने निकाह कराने से ही इनकार कर दिया। काजी ने तर्क दिया कि यह शरीयत के खिलाफ है, डीजे पर नाचना, शराब पीकर नाचना, इसकी इजाजत शरीयत नहीं देती है। दुल्हन पक्ष ने अन्य काजी की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन अन्य कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में उन्हीं काजी को तौबा व मान मनोवल और 25,000 रुपए के जुर्माने के बाद किसी तरह मनाकर निकाह कराया जा सका। यह वाक्या झांसी के पुलिया नंबर 9 पानी की टंकी के पास एक शादी घर का है। यहाँ गुड़सराय से बारात आई थी। बारात में युवक डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। यह देख काजी भड़क उठे और उन्होंने इसे शरीयत के विरुद्ध बताते हुए निकाह कराने से इनकार कर दिया। हमारे झांसी संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। बाद में काजी ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया। देखिए क्या बता रहे हैं काजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ अताउल्लाह खान, इमाम मदीना मस्जिद, पुलिया नंबर 9 पानी की टंकी। ये जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया, वो ऐसा हुआ कि एक हफ्ते पहले हमारे यहाँ के सारे आइमा हज़रात, सारे इमाम इकट्ठा होकर उनके घर पे गए। जहाँ जहाँ शादियाँ थीं वहाँ वहाँ उनसे बड़े आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ कहा कि आप अपनी शादियों में डीजे ना लगाएं, हराम कामों से बचें, क्योंकि जिस चीज़ के लिए शरीयत मना करती है उसी चीज़ का पैगाम हम लोगों ने दिया कि यहाँ पर डीजे आता है, डीजे में नाच गाना होता है, डांस होता है, तो वो लोग गुनाह में मुब्तला होते हैं और एक सुन्नत में, सुन्नत काम करने जाते हैं, गुनाह में शामिल हो जाते हैं। डीजे बजा कर, डांस कर कर, दारू पी कर, लड़के दारू पीते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया। यहाँ तक कि बारात आई, डीजे के साथ आई माजरा सब तमाम इकट्ठा हुए और निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया गया। कई घंटे उन लोगों को परेशान हुए, उन पर शर्तें रखी गई और फिर अवामी मिल्लत के सामने उन लोगों ने तौबा की कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूँ शरीयत के हुक्म के मुताबिक ऐसे काम नहीं होने चाहिए। शादी ब्याहों में डीजे बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि डीजे बजाने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। एक गुनाह में मुब्तला होते हैं हम और उसमें लड़के पर डांस करते हैं डीजे बजा कर, तो ये गलत बात है। शरीयत इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। हमें शरीयत के मुताबिक काम करना चाहिए। जो दहेजों में जो मांगे करी जा रही हैं शादियों में, तो वो शादियों में मांगे नहीं होनी चाहिए, सादगी के साथ निकाह होने चाहिए। ये मेरा पैगाम है मीडिया के लिए और सब झांसी वालों के लिए, सब के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।